हेलो ट्रेडर्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कोटक नियो का इंटीग्रेशन, एपीआई के साथ हम कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं पाइथन से, तो वो आज हम लोग देखने वाले। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं सीधे इसको। तो सबसे पहले आपको इस डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसको करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के लिए हम जैसा जैसे हमने काइट को इंस्टॉल किया था पिछली सीरीज में आपने देखा होगा, तो हमने सिर्फ उसको डायरेक्ट पिप इंस्टॉल से इंस्टॉल कर लिया था। ये भी पिप इंस्टॉल से ही इंस्टॉल होगा, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम में गिट का जो टर्मिनल है वो होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो यहाँ से आप आएंगे, आपके पास मैक ओएस, लिनक्स या विंडोज जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप गिट को डाउनलोड कर लीजिए। गिट सिर्फ आपके सिस्टम में होना चाहिए। अगर वो गिट होता है आपके सिस्टम में तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आप सीएमडी से लॉगिन कर अपना ये डाउनलोड कर पाएंगे इसको, तो उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा। गिट नहीं है तो फिर आपको एरर शो करेगा इंस्टॉल करने में। और गिट का टर्मिनल किस टाइप से दिखेगा, तो आप ये गिट बेस जो है ये ऐसा है, आपके आपको आइकॉन मिल जाएगा जब आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसमें आपको रन करने का ज़रूरत नहीं है ये कमांड। कमांड आपको सिर्फ वहीं सीएमडी में रन करना है, बट ये इंटरलिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आपको ये सिर्फ डाउनलोड करके रख लेना है, ये ध्यान रखना है। तो मेरे पास ऑलरेडी गिट बेस है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया है। अभी मैं सीएमडी ओपन कर लेता हूँ और ये आपके सामने पेस्ट कर दिया है, तो अभी मैं इसको रन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। आपके पास डाउनलोड नहीं होगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मेक श्योर आपके पास गिट बेस हो, बस ये ध्यान रखना है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने इसको डाउनलोड कर लिया। अभी हमें करना है लॉगिन, तो लॉगिन के लिए सेम यही हम कॉपी करेंगे। ये हमारा हो गया इंस्टॉलेशन, अभी हम लॉगिन देखने वाले हैं, और उसके बाद स्क्रिप्ट मास्टर को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्ट्रूमेंट सिंबल कैसे फेच करना है वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो ये मार्कडाउन सेल है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। और जो जो हमें लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट है वो हम पहले ही इम्पोर्ट कर लेते हैं। और एक हमें चाहिए होगा डेट यूटिल, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा लफड़ा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन अभी उन्होंने ये रखा है तो हम भी क्या कर सकते हैं, हमें इसको सॉर्ट आउट करके चलना पड़ेगा। उनको मालूम है ये इशू है, लेकिन वो लोग फिक्स नहीं कर रहे हैं। हमें बोले कि आप ऐसा कर लीजिए, वो क्या है मैं दिखाऊँगा आपको एक बार। फिलहाल हमने ये सारा लाइब्रेरी इम्पोर्ट कर लिया है, अभी इसको रन कर लेंगे हम लोग। नियो का ये एपीआई हमें चाहिए वो मिल गया है। अभी अभी ये सब हमें चाहिए, ये ऑन मैसेज और ऑन एरर जब हम डाटा डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए ये भी इसी में दे दिया है, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन अभी इन्होंने जैसा डॉक्यूमेंटेशन दे दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं अभी। इसको हटा लेता हूँ मैं। अभी आपको चाहिए कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट। इन्वायरमेंट में आपको यहाँ पे यूएटी की जगह प्रोडक्शन डाल लेना, ये चीज़ ध्यान रखना, PROD, बस ये चेंज करना है। यहाँ पे हम वेरिएबल पास कर देते हैं, यही पे हम लोग कंज्यूमर की दे देंगे, यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर सीक्रेट दे देंगे। और ये इसके डेवलपर कंसोल से आपको मिल जाएगा, कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट, ये आप सही लेके आए, ये आपको ध्यान रखना है बस।
तो मैं यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट दे देता हूँ। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और इसमें ये अपने सीक्रेट डाल रहा हूँ, तब तक आप 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने अपना ये जो सेल है इसमें अपना सारा क्रेडेंशियल डाल लिया है, जिसमें कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और एम पिन। एम पिन आपको क्रिएट कर लेना है अगर आपने क्रिएट नहीं करके रखा है तो। एम पिन नहीं तो आपको क्या है, हर बार जो ओटीपी मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पे वो आपको डालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एम पिन जनरेट कर लें, तो वो वन टाइम प्रोसेस में आपका हर बार लॉगिन होता रहे। मोबाइल नंबर में हम मोबाइल नंबर पास कर देंगे, यहाँ पे पासवर्ड में हम लोग पासवर्ड पास कर देंगे, कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट की जगह ये कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट पास कर देंगे। तो इस सेल को मैंने रन कर लिया, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किस टाइप से डेटा पास होगा, तो ये मैं रख रहा हूँ। तो अब मैं इनको रन करता हूँ, ये सेल को। तो ये देखिए, ये हमें टोकन वगैरह सब कुछ मिल गया है और अभी मैं इसको भी हाइड कर लेता हूँ। ये टोकन वगैरह हमें सब कुछ मिल गया है और हमने लॉगिन सक्सेसफुली कर लिया। तो अभी हम इसको चेक करने के क्या कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत झंझट है। अभी आप देखेंगे क्लाइंट डॉट कोड के लिए भी आपको इसमें बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिखना पड़ेगा। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये कोड की एपीआई है। तो हर एक रिक्वेस्ट में हमें सबसे पहले तो ये टोकन, सेशन आईडी, ये सब कुछ देना होता है। ये देखिए, यहाँ से हम लोग इसको लेते हैं, कोड टाइप में आप एलटीपी, ओएचएलसी, ये सब कुछ दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कोड हमें मिल रहा है, मतलब हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हुआ। वैसे तो हमें यहाँ पे रिस्पांस मिल गया था, लेकिन मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि हमें स्क्रिप्ट मास्टर कैसे डाउनलोड करना है। क्लाइंट डॉट स्क्रिप्ट मास्टर एक्सचेंज में आप दे सकते हैं एनएफओ। अगर आप कुछ नहीं देते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे स्क्रिप्ट मास्टर में अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट मास्टर डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें अराउंड 1,60,65,000 के आसपास सिंबल होंगे टोटल। और स्क्रिप्ट मास्टर में आप एक्सचेंज में एनएफओ, एनएसई, सीडीएस दे देते हैं तो जो आप अप्रोप्रिएट आपने जो दिया है वही डाउनलोड होगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो एक्सचेंज सेगमेंट में हमने एनएफओ पास कर दिया। यहाँ पे सिर्फ अपने को यूआरएल मिलेगा, ये आप चेक कर सकते हैं यूआरएल। और डीएफ अभी हम इसको दे देते हैं पीडी। तो ये यूआरएल से डेटा डाउनलोड हो गया है, होके आएगा अभी। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये बहुत स्लो है अभी, क्या कर सकता हूँ मैं भी, इसमें थोड़ा सा ये टाइम लेगा, देखते हैं कितना टाइम लेता है। ये डाउनलोड होने में आप देखो 27 सेकेंड लगा है, जबकि काइट का सिर्फ 3 से 4 सेकेंड में डाउनलोड हो जाता है। तो ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं, जैसा भी है हमें यूज़ करना है तो क्या इनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 54607 हमारे पास ये सब कुछ मिल गया है। अभी हम वही मेथड से चलेंगे जैसा हमने काइट में किया था, तो हम बैंक निफ्टी का एक्सपायरी को एक बार फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कोड रेडी करके रखा है, मैं वो आपको लाइन बाय लाइन बताते चलता हूँ। हम क्या है, फंक्शन को ही लेके चलते हैं। जिससे हमारा डीएफ चेंज नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ, ये डीएफ, और इंडेक्स में मैं दे दूँगा बैंक निफ्टी। ये फंक्शन से मैं इसके लिए कॉल कर रहा हूँ कि हमने इसको डीएफ
में इंस्टॉल किया, अभी हम डीएफ का ये अगर चेंज करते जाएंगे तो हर बार ये डीएफ इससे रिप्लेस होता जाएगा, ये नहीं हो, इसके लिए मैं इसको ये फंक्शन से कॉल कर रहा हूँ, ये आप समझ लीजिएगा। तो बैंक निफ्टी से मैं कॉल करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास 54,000 के आसपास था, तो अभी कितना बचा है, 1201, 1200 बस। लेकिन अभी इसमें एक सबसे बड़ा इश्यू है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको रिटर्न कर लेते हैं अपन डेटा, ये अपने पास डेटा मिली। अभी इसका एक्सपायरी आप देखेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये ध्यान में रखें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही पूरा देखें, नहीं अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ये वीडियो आपके काम का भी नहीं है। इसके लिए आपको ये समझ के लें कि अगर आपको इस स्टेप ज़ीरो से सीखना है तो थोड़ा समय आपको देना ही पड़ेगा। इसका जैसे आप एक्सपायरी देखेंगे डेटा का, और इसमें एक्सपायरी वाला ये कॉलम नहीं है तो हम इसको चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। एक्सचेंज ग्रुप और डेटा के कॉलम्स हम लोग चेक कर लेते हैं, डेटा के कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितने इतने सारे कॉलम, अभी इसमें आधा, इसमें आधे से ज़्यादा ये लोग ने फालतू चीज़ें देके रखा है जो कुछ काम का ही नहीं है, और जो काम का है उसे सही तरीके से देके ही नहीं रखा है। तो क्या करें, जैसा देके रखा है उस अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें। ये आप देखिए इसमें जो मैंने एक्सपायरी को फ़िल्टर किया है, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये स्पेस है इसके लिए वो मिल नहीं रहा था, तो यहाँ से एक्सपायरी देने के बाद ये मैंने किसी भी एक कॉलम का उठा के लिया एक्सपायरी। अभी इसको मैंने ये क्या है, पहले तो इस फॉर्मेट में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये यूनिक्स फॉर्मेट में अभी इसको हमने कन्वर्ट किया है डेट टाइम में, तो आप देखेंगे 2013, ये 10 साल पीछे, फिक्स परफेक्ट 10 साल पीछे। और ये चीज़ नियो वालों को भी मालूम है, लेकिन वो बोले कि आप इसमें 10 साल ऐड कर लीजिए, उनको मालूम है ये गलत है तो उसको सही करना चाहिए, लेकिन नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधा 10 साल ऐड कर लेंगे। और ये कोड में एक्चुअली लिखा हुआ है मेरे पास पहले से, तो मैं इसके लिए कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमें हर बार ये नहीं करना पड़े। आप देख सकते हैं ये वाला कोड है, मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको डेटा दे दूँगा नाम में, तो ये देखिए ये एक्सपायरी चेंज हो जाएगा, डेट में 2013 की जगह अभी 23 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये चेंज कर लेंगे एक्सपायरी को, और वही सेम मेथड हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अभी कोड में। ये मेन चीज़ था, ये मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको आगे का ये दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया है इसमें एक्चुअल में। यहाँ तक आपने देखा, फिर हमने क्या किया, ये एक्सपायरी को एक लिस्ट में डाल लिया, वही मेथड जो काइट में हमने यूज़ किया। फिर करंट एक्सपायरी के लिए हमने आज की जो डेट है उससे नियरेस्ट जो डेट है उसको फेच कर लिया है। फिर हमने डीएफ को ही करंट एक्सपायरी के इक्वल बना दिया है, मतलब जो भी हमारी वीकली एक्सपायरी होगा सिर्फ डीएफ का डेटा हमें वही चाहिए। और ये स्ट्राइक प्राइस इसमें फ्लोट में बहुत चार डेसिमल के बाद 4050, तो ये इसका हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टॉक ऑप्शन में करते हैं तो डेसिमल के बाद जो वैल्यू उसकी आपको नीड रहेगी, क्योंकि उसका स्ट्राइक प्राइस जैसे कोई छोटा स्टॉक है तो 20.50-25 स्ट्राइक, इस टाइप की भी स्ट्राइक प्राइस रहती है, लेकिन इसमें हमारी पास जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो इंटीजर में होगी ऑप्शन की। तो इसके लिए मैंने इसको इंटीजर में लेमडा की हेल्प से इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। और डीएफ में हमें इतने सारे कॉलम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है,
हमने ट्रेडिंग सिंबल और ये सिर्फ यही रखा है, ऑप्शन टाइप, स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हमने सिर्फ ये इस मेथड से फिल्टर कर लिया है और DF का इंडेक्स रीसेट कर दिया है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो अभी हमारे पास डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है और कैसा है आप चेक कर लीजिए। तो ये देखिए, सिर्फ बैंक निफ्टी के ऑप्शन है हमारे पास और ये स्ट्राइक प्राइस आप देख लीजिए, नहीं तो आपको मैं DF का स्ट्राइक दिखाता हूँ किस टाइप से, आप देखिए एक बार। DF जो ये देखिए ऐसे इस टाइप से है डेटा में, इस फ्लोट में है वैल्यू। और बैंक निफ्टी का आप देखेंगे तो और भी कहीं 3 जीरो कहीं 4 जीरो भी है जो हमारे काम का नहीं। DF जो ये मेन डेटा हमने डाउनलोड किया है सभी का वो है, और डेटा हमने जो फिल्टर कर लिया है अभी वो वाला है। ये देखिए, अभी आपको इस डेटा फ्रेम के साथ काम करने में कितना इजी रहेगा क्योंकि हमने इसको बहुत सही तरीके से फिल्टर कर लिया। अभी हम निफ्टी का करके देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ये देखिए, अभी निफ्टी का हमें डेटा मिल गया है क्योंकि एक फंक्शन हमने बना लिया थोड़े एक बार एफर्ट लगा के, तो ये अभी सबके साथ काम करेगा हमारा। फिर निफ्टी का देख लेते हैं अभी। ये देखिए, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी सेंसेक्स बैंकेक सबके का सब में काम करेगा ये, बशर्ते आपको एक बार टाइम देना है और इसको सही से सेट कर लेना है। ये कोड मैं आपको दे दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, नया वाला जो ग्रुप में उसमें आप टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें, तो वहाँ पे ये सारा कोड आपको मिल जाएगा। तो आज हमने देख लिया है ये तीनों, हमारे इंस्ट्रूमेंट हमारा कवर हो गया, लॉगिन हमारा और इंस्टॉलेशन हमारा, ये सब चारों चीज़ें हमारी कवर हो गई है। तो ये कोड मैं आपको दे देता हूँ, इस पर आप देखिए, प्रैक्टिस करिए और कोई भी एरर कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम इसमें नेक्स्ट वीडियो ये हमारा होगा, अभी इसमें डेटा कैसे डाउनलोड करना है वो, और ऑर्डर कैसे प्लेस करने हैं वो पार्ट हम आगे लाएंगे इस वीडियो में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।